नमस्कार मित्रों, NIOS के इस स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर नृपेंद्र वीर सिंह, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय। आज आपसे शैक्षिक नियमों एवं नीतियों का संक्षिप्त इतिहास विषय पर चर्चा करूंगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी देश का इतिहास अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन प्रस्तुत करता है और उस देश की संपूर्ण जीवन दर्शन का एक प्रतिबिंब होता है। इतिहास अतीत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक पक्षों का सजीव वर्णन प्रस्तुत करता है। मनुष्य अतीत की घटनाओं एवं उनके परिणामों के ज्ञान का उपयोग इस आधार पर करता है कि जो अतीत में जो कार्य उसने किए, उन कार्यों में क्या कौन से ऐसे कार्य थे जो अच्छे थे, कौन से ऐसे कार्य जिनमें किसी प्रकार की कमियाँ थीं जिससे कि वर्तमान में उनमें सुधार लाया जा सके। चूँकि इतिहास का सबसे अधिक योगदान यह माना जाता है कि इसके आधार पर हम अपने वर्तमान में सुधार ला सकते हैं और वर्तमान के आधार पर एक अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। तो इसके माध्यम से वर्तमान और भविष्य को उत्तम बनाने का प्रयास किया जाता है। अतः वर्तमान भारतीय शिक्षा के स्वरूप को समझने के लिए भारतीय शिक्षा के इतिहास पर नज़र डालना अधिक तर्कसंगत रहेगा कि किस प्रकार से वर्तमान शिक्षा व्यवस्था हमारी आज इस स्थिति में पहुँची है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, उसके पश्चात 1950 में हमारे यहाँ संविधान लागू हुआ। संवैधानिक उपबंधों के अंतर्गत, नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 45 में यह उपबंध किया गया था कि राज्य 10 साल की अवधि के भीतर 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करेगा। इससे आप भली भांति परिचित हैं कि इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो समय सीमा निर्धारित की गई थी वह 10 वर्ष निर्धारित की गई थी, लेकिन उन 10 वर्षों में किसी प्रकार से इन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका। न केवल इन 10 वर्षों में बल्कि आगामी लगभग 54 वर्षों तक इन्हें प्राप्त नहीं किया जा सका। यद्यपि इसके लिए सरकार के द्वारा समय समय पर अनेकों प्रयास किए गए, अनेकों कार्यक्रम, अनेकों योजनाएँ और स्कीम्स लाई गईं, लेकिन उनके द्वारा पूर्ण रूप में कभी भी उन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका। सरकार के द्वारा जो भी प्रयास किए गए जिनके माध्यम से अनुच्छेद 45 में वर्णित लक्ष्य अर्थात निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को प्रदान करने का जो प्रयास किया गया था, उसकी प्राप्ति के लिए जो प्रयास किए गए, उन प्रयासों में कोई न कोई इस तरीके की कमियाँ रह जाती थी जिसके कारण वह प्रयास पूर्ण रूप में कभी लागू नहीं हो सके या उनका लाभ समाज के सभी लोगों को समान रूप से नहीं प्राप्त हो सका। सरकार के द्वारा समय समय पर अनेकों योजनाएं चलाई गईं जिससे कि इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, लेकिन कहीं ना कहीं आर्थिक कारणों से उन लक्ष्यों की पूर्ण प्राप्ति नहीं की जा सकी। इन्हीं कार्यक्रमों में एक कार्यक्रम था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। चूँकि 1986 की शिक्षा नीति में यह सुझाव दिया गया था कि प्राथमिक शिक्षा की जो भी आवश्यकताएँ हैं उनकी पूर्ण रूप में प्राप्त की जाए और सभी को गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने का प्रबंध किया जाना चाहिए। इस योजना के तहत के तत्वाधान में ही ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना की शुरुआत की गई। इस योजना की शुरुआत वर्ष 1987 में हुई थी और यह योजना पूर्ण रूप से केंद्रीय योजना थी, अर्थात इसके लिए जो संपूर्ण धनराशि का व्यय केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता था। इस योजना का उद्देश्य था कि प्राथमिक शिक्षा वाले बच्चों की सुविधा के लिए या एक विद्यालय में जो भी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं हैं या संस्थागत उपकरण हैं या जो सामग्रियों की आवश्यकता है या जिन संसाधनों की आवश्यकता है वे प्रत्येक विद्यालय में उपलब्ध कराए जाएं। साथ ही साथ इस योजना के तहत उन स्कूलों में अतिरिक्त शिक्षक नियुक्त किए जाने का भी प्रावधान किया गया जिन प्राथमिक विद्यालयों में लगातार 2 वर्षों तक 100 से अधिक नामांकन हुए हों, अर्थात किन्हीं विद्यालयों में अगर 100 से अधिक नामांकन हो रहे हैं और वहाँ पर शिक्षकों की संख्या जो है वह कम है तो वहाँ पर अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्त किए जाने का भी प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया। इस योजना का मूलभूत उद्देश्य था कि प्रत्येक विद्यालय स्तर पर मूलभूत सुविधाओं, चाहे वह शैक्षणिक आवश्यकताएँ हों चाहे वह शिक्षक की आवश्यकता हो, मतलब मूलभूत जो आवश्यकताएँ एक विद्यालय को चलाने के लिए हैं उनका कम से कम मिनिमम स्तर मतलब न्यूनतम स्तर पर उनकी पूर्ति करने का प्रयास इस योजना के द्वारा किया गया। अध्यापक शिक्षा योजना। अध्यापक शिक्षा योजना केंद्र द्वारा प्रायोजित यह योजना वर्ष 1987-88 में
शुरू की गई थी। इस योजना का प्रमुख ध्येय था कि जहां संभव हो मौजूदा प्राथमिक अध्यापक शिक्षण संस्थानों का स्तर बढ़ाकर नए संस्थानों को भी स्थापित किया जाए, अर्थात जहां पर जैसे संस्थानों की आवश्यकता है, यदि संस्थान का अधिक प्रसार किया जा सकता है तो उस संस्थान में अधिक संख्या में शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए, और जहाँ पर नए संस्थानों को स्थापित करने की आवश्यकता है वहाँ पर नए संस्थान स्थापित किए जाएँ। इसका मूलभूत कारण यह था कि जो प्राथमिक शिक्षा या उच्च प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में जो अध्यापकों की आवश्यकताएँ थीं उनकी पूर्ति की जा सके, अर्थात अधिक से अधिक कुशल एवं प्रशिक्षित अध्यापकों को प्राथमिक शिक्षा व उच्च शिक्षा में नियोजित किया जा सके। अध्यापक शिक्षण संस्थानों का स्तर बढ़ाना, इसके अंतर्गत अध्यापक शिक्षा कॉलेज और शिक्षा में उच्च अध्ययन के संस्थान, जैसे कुछ संस्थान ऐसे हैं जो विश्वविद्यालय स्तर पर या अलग से उनका नियमन किया गया है, और कुछ हैं अध्यापक शिक्षा कॉलेज, टीचर एजुकेशन कॉलेज, तो इन संस्थानों के स्तरों को बढ़ाना, स्तरों को संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों रूप में बढ़ाने का सुझाव इसके अंतर्गत रखा गया था और प्रयास भी सरकार के द्वारा किया गया है। राज्य शैक्षिक शोध एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT के माध्यम से इसको सशक्त बनाने का प्रयास किया गया और इस योजना को वर्ष 2003 में संशोधित किया गया और पुनः 2004 में संशोधित दिशा निर्देशों के साथ लागू किया गया। अगली योजना है महिला सामाख्या कार्यक्रम। सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्ग के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक निश्चित कार्यक्रम के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1989 में महिला सामाख्या कार्यक्रम शुरू किया गया। महिला सामाख्या कार्यक्रम के माध्यम से समानता के लक्ष्य की प्राप्ति का प्रयास किया गया। समानता से तात्पर्य यहाँ पर है कि जो सामाजिक समानता है, चूँकि महिलाओं को समाज में समान दर्जा प्रदान नहीं किया जाता था, जिसके कारण माना गया कि इसके माध्यम से कहीं न कहीं हम समानता के लक्ष्य को भी प्राप्त करेंगे। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए महिला सामाख्या कार्यक्रम के अंतर्गत एक नवाचारी दृष्टिकोण अपनाया गया, जिसमें मात्र लक्ष्यों को प्राप्त करने के बजाय प्रक्रिया पर विशेष ध्यान दिया गया। महिला सामाख्या के तहत शिक्षा को न केवल साक्षरता कौशल प्राप्त करने के माध्यम के रूप में माना गया, अपितु इसे प्रश्न पूछने, मुद्दों के बारे में जानने और समस्याओं का विशेष रूप से विश्लेषण करने और समाधान प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया गया। अर्थात जैसे माना जाता था पहले कि शिक्षा में केवल कौशल ही दीक्षित किए जाएंगे, लोगों को साक्षर बनाया जाएगा, तो यहाँ माना गया कि इस प्रकार से विकास किया जाए कि लोग प्रश्न पूछें, जो भी उनके सामाजिक या शैक्षिक मुद्दे हैं उनके प्रति जागरूक हों, उनके प्रति अपने जागरूकता को दूसरों के सम्मुख रखें और समस्याओं का विश्लेषण करें, क्योंकि जब तक समस्याओं का विश्लेषण सही रूप में नहीं किया जाएगा तब तक उन समस्याओं का समाधान भी सही रूप में नहीं प्राप्त किया जा सकता। तो इस प्रक्रिया के माध्यम से ऐसा प्रयास सरकार के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं के लिए ऐसा वातावरण तैयार करने का प्रयास किया गया जिसमें महिलाएं स्वयं अपनी ओर से अध्ययन कर सकें, अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित कर सकें और अपनी पसंद के अनुसार ज्ञान तथा सूचना प्राप्त कर सकें, अर्थात जिन चीज़ों की उनकी इच्छा है या जिनमें उनकी रुचि है उस क्षेत्र की जो भी ज्ञान या सूचना प्राप्त करना चाहती हैं वह, तो वह आसानी से प्राप्त कर सकें। इसमें महिलाओं में अपनी अवधारणा में परिवर्तन लाने तथा महिलाओं की परंपरागत भूमिकाओं के संबंध में समाज की अवधारणा में परिवर्तन लाने का भी प्रयास किया गया। इसमें दो अवधारणाओं की बात की गई, महिला की स्वयं की अवधारणा, चूँकि महिला स्वयं को मान ले कि मैं ये कार्य नहीं कर पाऊँगी या मेरी परिधि का ये कार्य नहीं है या समाज द्वारा ये स्वीकार नहीं किया जाएगा कि कोई महिला इस प्रकार का कार्य करे, इस अवधारणा में भी परिवर्तन लाना। दूसरा, समाज की जो परंपरागत भूमिकाएं हैं जो एक महिला के रूप में निर्धारित कर दी गई हैं कि एक महिला के कौन कौन से कार्य हैं या किस प्रकार के कृत्य एक महिला करेगी, तो इन भूमिकाओं में भी परिवर्तन लाना, चूँकि समाज में इनको बराबरी का स्थान दिया गया है, तो निश्चित रूप से यह ध्येय यहाँ पर रखा गया कि समानता तभी प्राप्त की जा सकती है जब इन सामाजिक अवधारणाओं में परिवर्तन लाया जाएगा। यह अनिवार्य रूप से महिलाओं, विशेष रूप से सामाजिक और आर्थिक रूप से अवंचित तथा अन्य कमजोर वर्गों की महिलाओं को सक्षम बनाने का एक प्रयास था, ताकि वे अलगाव व आत्मविश्वास की कमी
कठोर सामाजिक प्रथाओं के प्रति जागरूक होकर उनका समाधान कर सकें और अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर सकें। इस योजना का उद्देश्य था महिलाओं की आत्म छवि में सुधार करना। जैसा अभी कुछ देर पहले मैंने चर्चा की कि स्वयं जो महिलाओं की आत्म छवि है कि मैं महिला हूँ, मैं इस प्रकार के ही कार्यों को कर सकती हूँ, इस छवि में परिवर्तन लाना, साथ ही साथ आत्मविश्वास को सुदृढ़ करना। क्योंकि जब तक आत्मविश्वास सुदृढ़ नहीं होगा तब तक कोई भी महिला किसी भी कार्य को सही प्रकार से संचालित नहीं कर सकेगी या सही प्रकार से कार्य को संपादित नहीं कर सकेगी। तो ये माना गया कि आत्मविश्वास का होना भी आवश्यक है और इस योजना के तहत यह उद्देश्य रखा गया कि इस कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं के आत्मविश्वास को सुदृढ़ किया जाएगा। ऐसा वातावरण तैयार करना जहाँ महिलाएं ज्ञान तथा सूचना प्राप्त कर सकें, जिससे वे समाज में अपनी सक्रिय सकारात्मक भूमिका निभा सकें। अर्थात जहाँ पर भी महिलाओं की भूमिका की आवश्यकता है या एक महिला के रूप में वे प्रतिभाग कर सकती हैं या समाज के किसी भी मुद्दे पर, क्योंकि समानता तभी मिल सकती है जब महिलाएं सभी मुद्दों पर समान रूप से सक्रिय भूमिका या प्रतिभाग करने का अवसर उन्हें प्रदान किया जाएगा। तो इसलिए कहा गया यहाँ पर कि महिलाओं को ज्ञान व सूचना जो भी जिस क्षेत्र में प्राप्त करना चाहता है, जिस क्षेत्र में उसकी रुचि है, उस क्षेत्र में इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रयास किया गया कि ऐसी चीज़ें हो सकें। प्रबंधन की विकेंद्रीकृत एवं सहभागी पद्धति तैयार करना। महिला संघों को गांव में शैक्षिक कार्यकलापों की सुविधा तथा मॉनिटरिंग करने में समर्थ बनाना। मतलब जो भी महिला संघ इस कार्यक्रम के माध्यम से बनाए गए उन महिला संघों के माध्यम से ही शैक्षिक क्रिया कार्यकलापों या क्रियाकलापों की सुविधा तथा उनकी मॉनिटरिंग का कार्य के लिए भी महिलाओं को समर्थ बनाने का प्रयास इस कार्यक्रम के माध्यम से किया गया। महिलाओं और किशोरियों की शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करना। चूँकि अक्सर तत्कालिक परिस्थितियों में देखा जाता था कि यदि विद्यालय ग्राम से दूर है या ग्राम में नहीं है तो अक्सर किशोरियों या बेटियों को विद्यालय पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता था। तो इसके अंतर्गत यह सुझाव दिया गया इस कार्यक्रम में कि महिलाओं और किशोरियों को शिक्षा के समान अवसर, जितना बालक को अवसर दिया जा रहा उतना बालिका को भी अवसर समान रूप में प्रदान किया जाए। औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों में महिलाओं तथा लड़कियों की अधिक सहभागिता प्राप्त करना। जो भी सरकार के द्वारा या ग्राम के द्वारा या अन्य किसी प्रयास से औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनमें अधिक से अधिक प्रतिभागिता महिलाओं की ली जा सके। अगली योजना सरकार के द्वारा जो चलाई गई थी शिक्षा कर्मी कार्यक्रम। शिक्षा कर्मी कार्यक्रम का लक्ष्य बालिका शिक्षा पर प्रमुख रूप से ध्यान देने के अतिरिक्त राज्य के दूर दराज के अर्धशुष्क एवं दुर्गम एवं सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण एवं गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु यह योजना सरकार के द्वारा लाई गई थी, जिससे कि सभी क्षेत्रों में शिक्षा की व्यवस्था समान रूप से की जा सके। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। केंद्र द्वारा प्रायोजित जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1994 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा प्रणाली को सशक्त बनाना और प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य पूरा करना। इस परियोजना व्यय में केंद्र सरकार की जो हिस्सेदारी रखी गई थी वे 85% की थी। मतलब केंद्र सरकार 85% का जो भी व्यय होगा इस कार्यक्रम के अंतर्गत उसका वहन करेगी। शेष 15% जो था वह राज्य सरकार का उत्तरदायित्व था कि वह उसका वहन करें। इस योजना के अंतर्गत लगभग 1,60,000 से अधिक विद्यालय खोले गए, जिनमें लगभग 84,000 वैकल्पिक शिक्षण केंद्र के रूप में थे। अगला कार्यक्रम जो सरकार के द्वारा वर्ष 1995 में लाया गया, जो अपने आप में संपूर्ण विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम माना जाता है, मिड डे मील योजना, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम। यह कार्यक्रम वर्ष 1995 में प्रारंभ किया गया। यह सरकार की अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना थी और इसके प्रारंभ करने के पीछे ध्येय सरकार का यह था कि बच्चों को विद्यालय में अधिक से अधिक नामांकित किया जा सके और बच्चों को नियमित विद्यालय में उपस्थित होकर शिक्षा ग्रहण कर सकें, साथ ही साथ उन्हें भोजन भी प्रदान किया जा सके। चूँकि ऐसा माना गया कि समाज में माना गया कि इतनी अधिक गरीबी व निर्धनता की स्थिति है, जिसके कारण प्रत्येक परिवार अपने बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप भोजन का प्रबंध नहीं कर पाते, तो ऐसे में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो कुपोषण का शिकार हो जाएंगे। तो सरकार का ये प्रयास इस कार्यक्रम के माध्यम से था कि सभी बच्चों को पोषण युक्त भोजन विद्यालय में ही प्रदान किया जाए, जिससे कि वह
वहीं पर शिक्षण कार्य करें और वहीं पर अपने भोजन भी करें। मध्याह्न भोजन बच्चों के लिए एक पूरक पोषण था, अर्थात ऐसे बच्चे जो घर से भोजन करके आ रहे हैं उनके लिए एक अतिरिक्त पोषण था, या जो घर से अपने लिए खाना लेकर आते हैं, तथा उनके लिए अत्यंत लाभकारी था जिनके परिवार या घर वाले इतने सक्षम नहीं थे कि अपने बच्चों के भोजन की व्यवस्था अच्छी प्रकार से कर सकें। यह जो योजना थी समतावादी मूल्यों के प्रसार में सहायता प्रदान करती है, क्योंकि कक्षा में विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि वाले बच्चे साथ में बैठते हैं और साथ में ही खाना खाते हैं। विशेष रूप से मध्याह्न भोजन में स्कूल के बच्चे जो होते हैं किसी भी बिना जाति पात को देखे हुए या किन्हीं भी वर्गों में बिना बटे हुए सभी लोग एक साथ बैठकर सारे अवरोधों को मिटाते हुए साथ में बैठकर भोजन ग्रहण करते हैं। मध्याह्न भोजन योजना बच्चों के ज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक विकास में मदद करती है। सुनियोजित मध्याह्न भोजन को बच्चों में विभिन्न अच्छी आदत डालने के अवसर के रूप में भी उपयोग में लाया जा सकता है। यह स्कीम महिलाओं को रोजगार के लिए उपयोगी स्रोत भी प्रदान करती है। मध्याह्न भोजन स्कीम देश के 2408 ब्लॉकों में एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में 15 अगस्त 1995 में आरंभित की गई थी और वर्ष 1997-98 तक यह कार्यक्रम देश के लगभग सभी ब्लॉकों में प्रारंभ कर दिया गया था। कार्यक्रम का उद्देश्य था, इस स्कीम का लक्ष्य था भारत में अधिकांश बच्चे दो मुख्य समस्याओं अर्थात भूख और शिक्षा, जो दो मुख्य समस्याएं मानी गई भूख और शिक्षा, अर्थात सबसे पहले भोजन फिर शिक्षा, इन समस्याओं का समाधान का प्रयास इस योजना के माध्यम से किया गया। सरकारी स्थानीय निकाय और सरकारी सहायता प्राप्त और EGS एवं EI केंद्रों तथा सर्व शिक्षा अभियान के तहत सहायता प्राप्त मदरसों एवं मकतबों में कक्षा 1 से 5 के बच्चों को पोषण स्तर में सुधार करने के लिए यह योजना अत्यंत लाभकारी रही। लाभ वंचित वर्गों के गरीब बच्चों को नियमित रूप से स्कूल आने, कक्षा के कार्यकलापों पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता करने के लिए भी यह योजना अत्यंत लाभकारी रही, क्योंकि अक्सर यह देखा जाता था कि गरीब घर के बच्चे विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने नहीं जाते थे। उसका कारण यह था कि वह कहीं पर श्रम का कार्य करते थे जिससे कुछ धनोपार्जन कर सकें और उस धनोपार्जन से उनके परिवार में भोजन की व्यवस्था हो सके। तो सरकार के द्वारा प्रयास किया गया कि यदि भोजन बच्चों को विद्यालय में प्रदान किया जाएगा तो निश्चित रूप से माता पिता सजग होंगे और अपने बच्चों को विद्यालयों में भेजेंगे। ग्रीष्मावकाश के दौरान अकाल पीड़ित क्षेत्रों में प्रारंभिक स्तर के बच्चों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना, इन सभी कार्यक्रमों योजनाओं के माध्यम से यह प्रयास किया गया कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को नहीं प्राप्त किया जा सका। यद्यपि कार्यक्रम सरकार के द्वारा अनेक चलाए गए, जैसा कि कुछ चर्चा अभी मैंने किया, इसके अतिरिक्त भी अनेक कार्यक्रम चलाए गए सरकार के द्वारा, लेकिन किन्हीं भी कार्यक्रमों के द्वारा सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को पूर्ण रूप में नहीं प्राप्त किया जा सका। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के संदर्भ में सरकार तब सजग हुई जब उच्चतम न्यायालय ने 19 कृष्णन के बाद में सरकार को ये निर्देश दिया कि वह जल्द से जल्द प्रत्येक बच्चे को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्रदान करे। इस ऐतिहासिक निर्णय के फलस्वरूप ही सरकार ने प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए सर्व शिक्षा अभियान वर्ष 2009 में शुरू किया। अर्थात सरकार ने यह पूर्ण रूप में कार्य तभी प्रारंभ किया जब सर्वोच्च न्यायालय अर्थात उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में सरकार को यह दिशा निर्देशित किया कि सभी के लिए शिक्षा का प्रबंध किया जाए और यह शिक्षा इसे शिक्षा का अधिकार बनाया जाए। आशा करता हूँ कि आज का चर्चा आपके लिए लाभकारी रही होगी। धन्यवाद।